आज हम करोजन कंट्रोल में देखेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता रहता है। तो चलिए देखते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है और कैसे मेटल को सेव किया जाता है। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से पता चला है कि एनोड में करोजन होता है और कैथोड पोर्शन शेप होता है, और कैथोडिक प्रोटेक्शन में मेटल को फोर्सफुली और जबरदस्ती कैथोड बना दिया जाता है ताकि ये करोजन से मुक्त रहे और फ्री रहे। और आप स्क्रीन पर कैथोडिक प्रोटेक्शन का डेफिनेशन देख सकते हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन। वन इज सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, द अदर वन इज इम्प्रेस्ड करंट और वोल्टेज मेथड। ये दो ही तरीके से हम मेटल को कैथोड बना सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो आयरन पाइप है उसको अगर सेव करना है तो इसके साथ एक एक्टिव मोर एक्टिव मेटल ज्वाइन किया जाता है। ये आयरन का हो तो इससे एक्टिव जिंक और मैग्नीशियम मेटल ज्वाइन किया जाता है आइदर वायर, और समटाइम्स इन दिस पाइप के साथ एक छोटा सा मेटल ज्वाइन किया जाता है। तो क्या होता है, ये मेटल एक्टिव है इसलिए ये एनोड है, और ये क्या है, वो जो पाइपलाइन है जिसको हमको सेव करना है वो बिकम्स कैथोड। सो यहाँ पर ये कैथोड हो जाता है, वो जो मेटल वो जिंक मेटल ज्वाइन किया जाता है वो एनोड है। इन करोसिव एटमॉस्फेयर एनोड में करोजन होता है और ये वाला रस्टिंग होता है, बट आयरन वाला सेफ हो जाता है। इसीलिए दिस मेथड इज नोन एज सैक्रिफिशियल एनोड मेथड। और ये है सैक्रिफिशियल एनोड मेथड का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, पिटिंग करोजन और वाटरलाइन करोजन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अब देखते हैं इम्प्रेस्ड वोल्टेज मेथड। इस मेथड में जो आयरन स्ट्रक्चर और पाइपलाइन जो पानी के अंदर या अंडरग्राउंड में होता है उसको करोजन से सेव करने के लिए इस पाइपलाइन और आयरन स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर वो जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है आयरन स्ट्रक्चर के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को एक इनर मेटल और एनोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ये वाला प्लैटिनम और ग्राफाइट है, और बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल सो ये वाला मेटालिक स्ट्रक्चर कैथोड होता है। ये एनोड दिस इज कैथोड। करोसिव एटमॉस्फेयर में कैथोड का कुछ करोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है, बिकॉज दिस एनोड इज एनोड सो इट इज ऑल्सो सेफ। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन को देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह आपके समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।